अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नई भर्तियाँ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, बहुत ही शानदार भर्तियाँ। तो पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं अगर चाहते हैं अप्लाई करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि जब भी जॉब्स के रिलेटेड नई अपडेट आए तो आपको पहले ही मिल सके। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपने डायरेक्टली गूगल पर आना है, गूगल पर टाइप करना है JOBLOVERZ, लिखने के बाद आपने सर्च कर देना है। सर्च करोगे पहली बार साइट देख सकते हैं, आपने क्या करना है इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब डेली देखने को मिलती है। तो आप टू डे जॉब प्रिपेयर पर देख सकते हैं, पहली पोस्ट देखने को मिली है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन न्यू जॉब 2022। आपने क्या करना है इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो तमाम क्राइटेरिया यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर मैं देख सकते हैं एजुकेशन मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट जो है 3 जून है, 3 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर जो है असामियाँ देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर की पहली असामी है, उसके बाद बजट अकाउंट ऑफिसर की है, उसके बाद असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर है जिसमें 47 असामियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट में और कंप्यूटर ऑपरेटर में, और यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट है, फील्ड असिस्टेंट है जिसमें जो 132 असामियाँ देखने को मिली है। बैचलर डिग्री हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और आगे जो यहाँ पर अकाउंट असिस्टेंट की असामी है इसमें इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की असामी है, 40 असामियाँ हैं, इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिस्पैच राइडर है, 35 असामियाँ हैं, मिडल पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चौकीदार की असामी है, ऑफिस अटेंडेंट की असामी है और हेल्पर की असामी देखने को मिली है जिसमें यहाँ पर पढ़ना लिखना जानता हो तो वो उम्मीदवार जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अप्लाई कैसे करना है तो नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का बटन देखने को मिला है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्म देखने को मिला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। तो आपने इसे फिल करना है और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर बता दी गई है जो आपने मुकम्मल रीड करके तो सबमिट नाउ के बटन पे क्लिक करके जो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है एप्लीकेशन जो है फ़ी होगी डिपॉजिट को जो आपने जमा करवानी है यहाँ पर देख सकते हैं, और जिस समय पर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर कर दो। इसे हम डेली अपडेट देता रहता हूँ। तो मिलते हैं सीखने वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।